नमस्कार, माननीय उप मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, प्रणब भाई, पीयूष जी, सुहेल और हमारे बाकी सभी मेहमान बाबा सिद्दीकी साहब, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। मेरे जितने पॉइंट थे मराठी चैनल का लक्ष्य क्या होगा वो अंकित ने बता दिए हैं, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन बस एक ही बात बतानी है कि NDTV जब से नए मैनेजमेंट के साथ शुरू हुआ तब से ये हमारा, उस वक्त दो चैनल थे, अब ये हमारा छठा चैनल है और इसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हमको NDTV मराठी को लेकर के है। ये बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत सारे चैनल्स हैं, हम उसके बाद आ रहे हैं, उसके बाद हम नया क्या करें ये आइडिया भी हम आप ही से कोर्ट, जिसको कहते हैं क्राउड सोर्सिंग, वो करने जा रहे हैं। और आपसे भी फडणवीस साहब हम आज पहला सवाल यही करने वाले हैं, आप अपना होमवर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज, इतने चैनलों की भीड़ में सिर्फ खबर देना, खबर बताना तो ये एक काम है, लेकिन सचमुच सब लोग कहते हैं, लेकिन हमारा जज्बा ये है कि इस चैनल को हम एक खबर देने वाले चैनल के रूप में ना देखें, ये एक जन अभियान हो महाराष्ट्र के लिए, हर घर का ये एक कंपेलिंग वॉच हो जाए। उसके लिए हमको कुछ ऐसे मुद्दे लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसी एडवोकेसीज करनी पड़ेंगी जिसको कि एक लार्जर समर्थन मिले। इसीलिए महाराष्ट्र का व्यक्ति जो कि सरकारी नौकरी या उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की नौकरी या उसके बाद बौद्धिक क्षेत्रों में शोध, अनुसंधान, अध्यापन में सबसे पहले जाता है, बगल में गुजरात मॉडल है, एंटरप्रेन्योरल रिस्क लेना या जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरल जील, वो उनसे कैसे सीखा जाए, तो महाराष्ट्र में NDTV मराठी के जरिए ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का गुजरात मॉडल है, और हमारे प्रमोटर भी गुजराती हैं, उसको हम जरूर यहाँ पर बहुत मजबूती से लागू करने जा रहे हैं। एक बड़ी योजना है, उसको आज हम अनवील भी करेंगे आपके सामने। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अब लैंप लाइटिंग के लिए मेरा ख्याल अंकित कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों का बस बहुत धन्यवाद करना चाहता था कि आज छुट्टी के दिन, महाराष्ट्र दिवस के दिन आप लोग समय निकाल करके आए, खास करके चुनाव प्रचार के बीच में। फडणवीस साहब, आपका बहुत शुक्रिया।